यदि आपको भी इसी तरह का थंबनेल सिर्फ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बनाना तो बस वीडियो के एंड तक देखना। सबसे पहले अपने स्क्रीनशॉट पिक्सआर्ट में ऐड करने के बाद टूल्स पर क्लिक करना, फिर क्रॉप पर क्लिक कर देना है, फिर 16:9 को सेलेक्ट करके कुछ स्टेप्स अपने स्क्रीनशॉट का से कट करने के बाद डन वाले बटन पर या राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एंड अभी यहाँ से हमको चले जाना है स्टीकर पर। स्टीकर पर जाने के बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से हमको सर्च करना है मैग्नेट इफेक्ट। मैग्नेट इफेक्ट आप यहाँ से सर्च करने के बाद चौथे नंबर वाले मैग्नेट इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से साइड में व्हाइट कलर का पॉइंट है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके कुछ इस तरह से इसको खींच लेना है। देन इसको बीच में ले आना, फिर इसको पूरे स्क्रीनशॉट पर अच्छे से इसको सेट करने के बाद डन कर देना है। ऐसे राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन अभी यहाँ से हमको क्या करना है, हमको ब्रशेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर चौथे नंबर वाले ब्रश पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। तो यहाँ से हमको नीचे स्लाइड करते हुए आना है। यहाँ से आपको एक इफेक्ट मिलेगा ये ग्रीन वाला, ये वाला, तो इस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको अपने कैरेक्टर के चारों तरफ कुछ स्टेप से आपको इसको अप्लाई कर लेना है। तो अपने कैरेक्टर के चारों तरफ इसको पूरे कैरेक्टर पर आपको उसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जिससे कि हमारे जो कैरेक्टर के पीछे अच्छा सा इफेक्ट आ सके, शेडो इफेक्ट, जो स्मोक इफेक्ट है वो आ सके। तो कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे डन कर देना है। देन अभी यहाँ से हमको ऊपर की साइड में आ जाना है एफएक्स वाले बटन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कलर्स वाला ऑप्शन, इस पर टैप करना, फिर यहाँ से कलर रिप्लेस वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको ये ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसके जो ऊपर रिप्लेस हुए ना उसको आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है, जिस तरह कलर का आपको ऐसे ये स्मोक इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ से मैं अपने अकॉर्डिंगली रख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से पिंक कलर रख लेता हूँ। तो पिंक कलर रखने के बाद इसको यहाँ से मैं डन कर लूँगा। देन इतना करने के बाद अभी हमको क्या करना है, यहाँ से हमको चले जाना है अपने ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हमको अपने कैरेक्टर का पीएनजी उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हम अपने कैरेक्टर का पीएनजी उसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद यहाँ से इसको अपने स्क्रीनशॉट पर पहले अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो इसको अच्छे से सेट कर लेना अपने जो भी कैरेक्टर उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से। देन कुछ स्टेप्स इसको अच्छे से सेट करने के बाद हमको क्या करना है, अपने कैरेक्टर पर यहाँ से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद इसकी शैडो पर क्लिक कर देना है। शैडो पर क्लिक करने के बाद सेकंड वाले को यहाँ से फुल कर देना। पोजिशन पर आने के बाद दोनों को हमको यहाँ से कर लेना 100। तो दोनों को यहाँ से 100 कर लेंगे। फिर इसके कलर पर जाने के बाद जो हमारा स्मोक का कलर वो रखेंगे, जैसे कि पिंक कलर, तो यहाँ से पिंक रख लेते हैं। देन अभी यहाँ से हम जाएंगे इसके बॉर्डर पर। बॉर्डर का कलर हम रहने देंगे व्हाइट कलर और इसका स्ट्रोक रखेंगे 2। और फिर यहाँ से हमको ऐड वाले बटन पर यहाँ से क्लिक करना, जो ऐड फोटो वाला बटन है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमको बॉर्डर पर चले जाना है। बॉर्डर पर जाने के बाद एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड यहाँ से हमको ऐड कर लेना है। तो इसको ऐसे मैं ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको पहले अपने कैरेक्टर के ऊपर इसको सेट कर लेना अच्छे से। तो कैरेक्टर के ऊपर इसको अच्छे से सेट करने के बाद लेफ्ट साइड में इरेज वाला बटन है, इस पर टैप करना, फिर इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद इसकी हार्डनेस को 1 कर लेना है। देन अभी अपने जो भी कैरेक्टर उसके चारों तरफ इस तरह से हमको इसको अप्लाई कर लेना अपने कैरेक्टर के ऊपर साइड्स के कॉर्नर्स पर। तो कुछ इसी टाइप से हमको अपने जो भी कैरेक्टर उसके चारों तरफ पूरे पूरे कैरेक्टर कुछ इसी टाइप से इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना, देखिए कुछ इस टाइप से। देन इतना हमने कर लिया, तो अभी यहाँ से इसको राइट वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से नीचे आएंगे इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन पर। इस पर आने के बाद बिल्कुल नीचे नीचे वाला ऑप्शन है ऐड वाला, इस पर हमको क्लिक कर देना है। और यहाँ से हमको आना है इसकी ओपेसिटी पर। तो ये ओपेसिटी वाली, इस पर हमको आने के बाद इसकी ओपेसिटी को हमको कम कर लेना है। तो ओपेसिटी को आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो, कितना आप रखना चाहते हो, बट जो मैं रख रहा हूँ वो भी आप रख सकते हो। तो यहाँ से इसको मैं करीबन 60 के आसपास यहाँ से रख लूँगा। तो 61, तो चलिए इतना रख लेते, इतने पर ठीक ठाक है। तो आप 60 के आसपास इसको रख लेना। तो इतना हमारा हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, ऐसे ऐड फोटो पर फिर से क्लिक करना, आपके बारे एक पार्टिकल वाला पेन जिसको यहाँ से ऐड कर लेना है। इसको यहाँ से ऐड करने के बाद अभी क्या करना है, पहले तो यहाँ से इसके हमको सेट कर लेना पूरे थंबनेल पर। देन अभी इसके ब्लेंड पर जाने के बाद इसको यहाँ से स्क्रीन कर लेना, फिर इसके लेयर पर क्लिक करके उसको मूव डाउन कर देंगे, जिससे नीचे चले जाए। देन इतना हमारा हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, राइट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और अपने इसको यहाँ से कर लेंगे सेव। तो चलिए यहाँ से हम अपना जो भी थंबनेल है इसको यहाँ से पहले सेव कर लेते हैं। और इसको सेव करने के बाद अभी हमको क्या करना है, यहाँ से तो पहले इसको यहाँ से हम पहले सेव कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट काम है आपके दूसरे एप्लीकेशन में करेंगे, उसका नाम है लाइटरूम। तो चलिए यहाँ से हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाते हैं। और लाइटरूम में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑल फोटोज़ पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से जो ऐड फोटो वाला बटन है इस पर यहाँ से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अभी जो आपने पिक्सआर्ट से एडिट किया था उस थंबनेल को और एक प्रीसेट वो आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। दोनों को आपको यहाँ से ऐड कर लेना अपने लाइटरूम में। तो ये वाला प्रीसेट RAW लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यही हमारा प्रीसेट है, इसको यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने प्रीसेट पर क्लिक करना है जो अभी हमने ऐड किया। तो हमारा प्रीसेट है वो नीचे साइड में आया, तो ये रहा हमारा प्रीसेट। तो इस पर हमको टैप करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट आप राइट साइड में ऊपर 3 डॉट देख रहे हो, इस पर क्लिक करने के बाद इसकी कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना, फिर इसको राइट पर क्लिक करने के बाद बैक कर देना है। देन अभी अपने थंबनेल पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इसके 3 डॉट पर हमको क्लिक करना है। देन नीचे आने के बाद इसकी पेस्ट सेटिंग पर हमको क्लिक कर देना है। देन इतना करने के बाद एक ही क्लिक में हमारा थंबनेल कुछ स्टेप से बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।